हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राना। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राना'स कुकिंग कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कवर चिल्ली की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी है। ऊपर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट, जो मुँह में जाते ही घुल जाए। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को खाने हम अक्सर रेस्टोरेंट जाते हैं। आज मैं घर पर ही इसे इजी वे में बताऊंगी कि आप किस तरह झटपट से इसे घर पर बिना झंझट के बना सकते हैं। यह रेसिपी देखने के बाद आप घर पर बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि यह रेस्टोरेंट से ज़्यादा घर पर टेस्टी बन जाता है और झटपट से बन के रेडी हो जाता है। तो चले इस टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें 10 टेबलस्पून मैदा, 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 2 पिंच ऑरेंज फूड कलर। और नॉर्मल पानी ले लेना है, उसी के हेल्प से इसका एक घोल तैयार करेंगे। घोल न ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए और न ही ज़्यादा पतला। मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल तैयार करना है। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जितना कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं जस्ट डबल उसका मैदा लीजिएगा। इस रेशियो से परफेक्ट बैटर बनेगा और चिली सुपर क्रिस्पी बनेगा। इस घोल को मैं 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के रख दूँगी। यहाँ पे मैंने सुधा का पनीर का 2 पैकेट ले लिया है। 200 ग्राम का है, यानी 400 ग्राम है। हमें इसका पैकेट का कटिंग कर लेना है। देखिए, मैंने पनीर निकाल लिया पैकेट से, इसका मैं कटिंग कर दूँगी। आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, जो भी साइज़ देना चाहें, छोटा बड़ा। इसी तरह मैंने सारे पनीर का क्यूब काट लिया है एक प्लेट पर। इसको मैं रख देती हूँ। देखिए, मैंने ये साइज़ का काटा है। आप इससे बड़ा भी काट सकते हैं और छोटा भी काट सकते हैं। अब मैं गैस ऑन करती हूँ। उस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डालूँगी। इसको गरम कर लेना है, पहले पूरा अच्छे से गरम कर लेना है, ठंडे में नहीं तलना है। यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। इस स्टेज पर जो मैंने पनीर को पीसेस में कटिंग किया है, उसे इस बैटर में 1 by 1 डीप करके इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, फ्लेम को मीडियम रखना है। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो ऊपर से पक जाएगा और अंदर से ठीक से नहीं पकेगा। इसे मीडियम फ्लेम पर सारे पनीर के क्यूब को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे ध्यान से 1 by 1 डालना है, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ जले नहीं फ्रेंड्स। इसी तरह डालते जाना है। इस रेसिपी से अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले बहुत शौक से खाएंगे और आपकी तारीफ करना नहीं भूलेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फील आएगा। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि ये कैसा बना। देखिए, आँच मैंने मीडियम ही रखा है। देखिए, एक तरफ पूरा अच्छे से खड़ा हो जाएगा, तब उसको पलट देना है। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड फ्राई हो चुका है अच्छे से। इसको मैं उलट देती हूँ पलट के। दूसरे साइड भी इसको अच्छे से खड़ा करना है मीडियम आँच पे। देखिए, ये अच्छे से खड़ा हो गया है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। दे
देखिए देखने में पूरा क्रिस्पी लग रहा है ये। इसी तरह मैं दूसरा भी और डाल देती हूँ। देखिए इसी तरह मैंने सारे पनीर को फ्राई कर लिया है और मैंने सब निकाल लिया है। देखिए देखने में टेस्टी लग रहा है ना। अब मैंने फिर कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें 12 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, इस स्टेज पे मैंने 2 टेबल स्पून चॉप लहसुन, 2 टेबल स्पून चॉप अदरक और मैंने 6 ग्रीन चिली को महीन महीन काट लिया है और 4 ओनियन को इस तरह मैंने काट लिया है। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली डालूंगी। वो डालने के बाद 30 सेकंड के लिए इसको अच्छे से सौते करना है। थर्टी सेकेंड हो गया, अब मैं ओनियन डालूंगी। ओनियन डाल के 20 सेकंड के लिए इसको सौते करना है। देखिए 20 सेकंड हो गया। अब मैंने एक कैप्सिकम को काट के रखा था वो मैंने डाल दिया। कैप्सिकम को भी 20 सेकंड के लिए सौते करेंगे। यहाँ पे कैप्सिकम और ओनियन को ज़्यादा पकाना नहीं है। 20 सेकंड हो गया है। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, 3 टेबल स्पून वाइट विनीगर, 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप हॉट एंड स्वीट। अगर हॉट एंड स्वीट नहीं है तो कोई सा भी टोमेटो केचप आप डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 4 टेबल स्पून सिजवान सॉस, 2 टेबल स्पून पेरी पेरी केचप। अगर पेरी पेरी केचप आपके पास नहीं है तो रेड चिली सॉस डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करना है, 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर घोल के रखा था, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से चला लेना है। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको चलाते रहना है। कॉर्नफ्लोर का घोल डालने से सॉस में थोड़ा थिकनेस आ जाता है और कवर चिल्ली थोड़ा अच्छा बन के तैयार होता है। यहाँ पे मैं नमक थोड़ा चख ले रही हूँ, आप चख लिए, अगर नमक कम रहेगा थोड़ा ऊपर से डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे जो मैंने फ्राई करके जो रखा था पनीर, सारे पनीर को इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से सॉस में अच्छे से इसको मिला लेना है, अच्छे से इसको सॉस में सौते कर देना है। देखिए अच्छे से सॉस इसमें मिल गया है, सौते कर दिया है मैंने सॉस के साथ। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको 30 सेकंड के लिए कवर कर देंगे। देखिए अब ये 30 सेकंड के बाद ये रेडी हो चुका है। एक दफ़ा और अच्छे से चला लेंगे। देखिए बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। देखा कितना ईजी वे में ये झटपट से रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर का वर्चुअली बन के रेडी हो गया है। आप भी जाएं, जाके बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर ही पर आराम से आप बना सकते हैं। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, हक्का नूडल्स, वेज चाउमीन या सिर्फ ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर का वर्चुअली बन के रेडी हो गया है।
देखिए देखने में लग रहा है डिलीशियस टेस्टी। तो चलिए देखते हैं यह ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट हुआ है। देखिए देखने में लग रहा है टेस्टी, आया ना मुँह में पानी। इसको हम कट करके देखते हैं, देखिए एकदम बहुत अच्छे से कट गया, उस पर से क्रिस्पी अंदर से सुपर सॉफ्ट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ।